हाय बीएच सेकेंड ईयर स्टूडेंट, फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके तीनों पेपर कंप्लीट हो गए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। बस एक छोटी सी चीज़ है, वो है रिजल्ट का इंतज़ार। वो एक औपचारिक चीज़ है जो बस रिजल्ट आना है, और रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे आप सबके, नो डाउट। तो कैसा रहा ये पूरा साल, आप सब ने मेरे साथ पढ़ाई करी, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? इसी फीडबैक के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपने तीन पेपर दिए उसके लिए मेरे वीडियो से पढ़ाई करी। तो मेरी वीडियो सच में फ़ायदेमंद रही या नहीं आपके एग्ज़ाम्स के लिए? अब ऐसा नहीं कि मैं वीडियो में बता दूँ फिर मैं आपसे फीडबैक ना लूँ, क्योंकि जब आप मुझे फीडबैक देंगे तभी तो मैं और अच्छा वीडियो बनाऊँगा, और तभी तो मैं आने वाले और बच्चों के लिए हेल्प करूँगा। तो कमेंट में आप अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे और बताएंगे कि आपको मेरे वीडियो से कितनी हेल्प मिली, अच्छा लगा मेरी वीडियोस या नहीं। देखो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बीएड के जो सीरीज़ के वर्ड्स थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एग्जैक्ट हिंदी में लिखे रहते थे। तो मैं जब उसको पढ़ा तो मुझे लगा चलो इसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरी हमेशा से कोशिश थी कि मैं आपको आसान से भाषा में बस समझा दूं। मैंने कोई नोट्स देना या कोई पढ़ाना ये वाला मकसद नहीं था मेरा, बस मेरा ये रीज़न था कि मैं आपको समझा दूं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में समझी हुई चीज़ों को ही लिखना है, एज इट इज़ तो कोई लिख नहीं पाता। तो बस इसी नीयत के साथ मैंने वीडियो शुरू करी, और आपने बहुत पसंद किया, बड़ा प्यार दिया, और आपकी वजह से मेरा चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो भी हुआ, मोनेटाइज भी हुआ, कुछ पैसे भी मिले, चैनल ग्रो किया, एक नई पहचान मिली, और आप सबके साथ और सबके सहयोग से तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आप सबके लिए इतनी मेहनत करी और आप सब ने सहयोग किया, और साथ ही साथ सभी दोस्तों ने जो भी टेलीग्राम में जुड़े थे ना, वो खुद से इतने कोऑपरेटिव थे, इतने सपोर्टिव थे ना, एक दूसरे की इतनी हेल्प करते थे। किसी को भी नोट्स चाहिए होता था ले लो, PDF चाहिए होता था ले लो, अनसॉल्व चाहिए तो बड़े अच्छे सहयोग के साथ हमने सब मिलकर पढ़ाई करी है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये वीडियो सारी आपको कैसी लगी, फ़ायदेमंद रहा या नहीं रहा। और एट द एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगे के जीवन के लिए। आप अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। और कुछ बहनें ऐसी हैं जो कि हाउसवाइफ होने के बावजूद भी पढ़ाई कर रही थी, तो उनको तो मेरा दिल से प्रणाम सलाम कि आपने इतने जज्बा दिखाया, आपने पढ़ाई करी। बहन प्लीज़ पढ़ाई को छोड़ना मत, अगर कोई और कोर्स मिले तो कोर्स ले लेना, डिग्री के लिए नहीं, नौकरी के लिए ना सही, लेकिन ना जब इंसान एक शिक्षा से जुड़ा रहता है ना, तो हमेशा एक विद्यार्थी बन के रहता है। और आपको पता है विद्यार्थी की एक प्रकृति, एक नेचर होता है कि वो हमेशा थोड़ा सा दूसरों के सम्मान देना और दूसरों की इज्जत करना, एक अच्छी सोच रखना, तो वो चीज़ें होती है विद्यार्थी के अंदर। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि हमेशा एक विद्यार्थी बन के रहें, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, केवल डिग्री या नौकरी के लिए नहीं, मगर हाँ, खुद को हमेशा एक विद्यार्थी के रूप में रखें। मैं स्वयं अपने आप को हमेशा विद्यार्थी के रूप में देखता हूँ, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, पढ़ाने की कोशिश नहीं करता, मैं आपको समझाने की दोस्ती और फ्रेंडशिप की तरह, एक भाई बहन की तरह एक बात करके, इसीलिए शायद मैंने अपने चैनल का नाम जाने टॉक रखा, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं, मतलब बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो कैसे लगे वीडियोस मेरे सारे, आपको कुछ फ़ायदेमंद थे, सहायता मिली आपसे उसकी, तो आप मुझे बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, उस आधार पर मैं अपने अंदर सुधार लूँगा, अपने वीडियोस के अंदर सुधार लूँगा। मगर ये मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ आप सबके साथ, बहुत अच्छा कनेक्शन था हमारा, हम पर्सनली तो कभी मिले नहीं ना, हम एक दूसरे को चेहरे से जानते हैं, लेकिन आपका नाम देख के मुझे याद आता है कि अच्छा ये लड़का या ये लड़की मेरे साथ चैनल में इतने दिनों से जुड़ा है, इतने दिन ये हमेशा कमेंट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था। और देखो आज आपके कोर्स कंप्लीट हो गए, पता नहीं शायद आप में से कितने लोग चले जाएंगे फिर, अब शायद आपको मेरी वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं होगी, मगर हाँ मतलब मैं मिस करूँगा, आप सबको मिस करूँगा। अच्छा मैं पता है क्या करूँगा, अभी नहीं, अभी मैंने पिछले 2-4 दिनों से कोई कमेंट की रिप्लाई नहीं किया, वजह ये है ना कि मैं आज से 5 साल के बाद आपके किसी कमेंट का रिप्लाई करूँगा, कहूँगा और कैसी हो या फिर कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में। मैं आज से 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आपके कमेंट में रिप्लाई करूँगा। अगर आपका सेम आईडी रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो आपको बीएड के वो दिन याद आएंगे। तो दोस्तों सेकेंड ईयर वालों के बीएड के 2 साल पूरे हो गए, और बहुत सारे बच्चों को शायद कॉलेज के सर याद ना हो, कॉलेज के टीचर याद ना हो, कॉलेज ना याद हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ाई की होगी तो मैं हमेशा याद रहूँगा आपको, ऐसा मैं सोचता हूँ। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे अरे चलो हटो तुम निकलो यहाँ से, ये भी हो सकता है, लेकिन आप सब मुझे बड़े याद आएंगे। काफ़ी अच्छा दिन रहा ये हमारा, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा साथ ऐसे बना रहेगा। देखो आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत अच्छा सीटेट तो नहीं बता सकता, समझा सकता, लेकिन हाँ जो भी मेरे स्तर का हो सकता है सीटेट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं कोशिश करूँगा कि शेयर करूँ, कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, सी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो मेरे स्तर का होगा ना, मैं वो ज़रूर हेल्प करूँगा, आप सबको बताने की कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहना, चैनल छोड़ के जाना नहीं, मुझे आप सबका और सहयोग चाहिए,
और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप दूसरों को रेकमेंड कर दीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर का ये बैच तो ख़त्म हो रहा है, अब फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में आएंगे और नए बच्चे फर्स्ट ईयर में आएंगे, तो एक नई टीम बनेगी, नया बैच बनेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जाना नहीं छोड़ के बच्चों को रिकमेंड कर देना, बोलना कि इनसे पढ़ाई करें, इनकी वीडियोज़ देखें, सहायता होती है। और जो नए बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि यार आप एग्ज़ाम के टाइम इतना प्रेशर हो जाता है ना, आप सोचो मेरे पास इतने प्रेशर हो जाते हैं कि ये बनाना, तो थोड़ा सा पहले से शुरू कर देंगे इस बार सेकेंड ईयर के या फर्स्ट ईयर के पढ़ाई, थोड़ा पहले शुरू कर देंगे ताकि एग्ज़ाम के टाइम इतना टेंशन ना हो। तो बस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, आप मुझे अपनी राय ज़रूर देंगे कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगी, और जाना नहीं छोड़ के और लगे रहना, पढ़ते रहना, साथ बने रहना आप सबको, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जय हिंद, जय भारत, सब बखैर, खुश रहो, पढ़ते रहो और चैनल से जुड़े रहो, ठीक है, बाय बाय, सी यू।